न जाने कब से हिंदी पिक्चर्स में एक दूसरे को बर्फ के गोले मारते हुए देखा है मैंने, हीरो और हीरोइंस को। बस वहीं से तमन्ना हुई थी कि ऐसे हिल स्टेशन जाऊं जहां पे बर्फ का गोला हाथ में उठाकर किसी न किसी को तो जरूर मारूं। और यही मेरी जो इच्छा थी वो तब पूरी हुई जब मैंने पत्नी टॉप की यात्रा करी। मैं वीरा, मेरे पॉडकास्ट मेरी दुनिया विद वीरा में आज आपको पत्नी टॉप ले चल रही हूँ। रामबन और उधमपुर सिटी के बीच में बसा हुआ है पत्नी टॉप। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे यानी NH 44, जो हमें ले जाती है सीधे पत्नी टॉप तक। वैसे तो ये रोड श्रीनगर तक जाती है, लेकिन जम्मू से 112 किलोमीटर है 6,640 फीट की ऊंचाई पर पत्नी टॉप। तो बात कुछ ऐसे बनी कि जब हम वैष्णो देवी गए थे तब हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ से हम पत्नी टॉप की भी एक सैर करी लेते हैं। बस तो कटरा से ही हमने टैक्सी बुक करी और हम पत्नी टॉप के लिए सुबह 10 बजे निकल पड़े। मैं, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बेटी वसु और आदि, हमारी वही रेगुलर फैमिली। बहुत साल पहले जब मैं अमरनाथ गई थी तो पत्नी टॉप रास्ते में पड़ा था और तब हमने पत्नी टॉप में सिर्फ एक झलक ली थी पहाड़ों की, बर्फीले पहाड़ों की, पर यादें बड़ी सुंदर थी उस जगह की। मन में वही छवि बसाए हुए जब मैं आगे बढ़ रही थी तो मैंने कटरा से जब पत्नी टॉप के लिए 4-लेन एक्सप्रेस वे देखी तो मैं बहुत चकित हो गई, क्योंकि मेरी यादें कुछ ज्यादा ही पुरानी थी और जो ये रोड बने थे ये थोड़े नए थे और काफी अच्छे भी थे। पत्नी टॉप, जिसे पटंदा तालाब भी कहते हैं, यानी पॉन्ड ऑफ द प्रिंसेस भी कहते हैं। तो हम बढ़िया 4-लेन एक्सप्रेसवे रोड पकड़ करके मुगलई क्यूजीन वाले ढाबे देखते हुए दाएं और बाएं दोनों साइड पर अपनी कार पर बरसते मूसलाधार ओलों की आवाज सुनते हुए डगमगाते हुए टेढ़े मेढ़े रास्तों से पत्नी टॉप की ओर बढ़ रहे थे। कटरा से थोड़ी दूर तक तो काफी शहर वाली आबादी मिली, हमें काफी ट्रैफिक जैम भी मिला। कई जगह पे रास्ते बन रहे थे तो डाइवर्जन्स भी मिले और ट्रैफिक रश में हमें रुकना भी पड़ा। कुछ ऐसी भी जगह थी जहाँ पे ट्रैफिक को रुक रुक के छोड़ा जा रहा था। इन सब चीजों का सामना करते हुए हम तकरीबन शाम के 4 बजे पत्नी टॉप के काफी करीब पहुँच चुके थे और तब हमारे ड्राइवर भैया को शायद ये समझ में आया कि हमें चाय की जरूरत हो सकती है, तो उन्होंने बहुत ही लोकल से ढाबे पर हमें चाय पीने की इजाजत दे दी। आपको मैं एक बात बताऊं, मुझे हायर टैक्सी इसलिए नहीं पसंद आती हैं क्योंकि ये आपकी बात सुनते ही नहीं है। इनकी हर चीज बिल्कुल सेट होती है, सेट जगह पे ही टैक्सी रोकेंगे, सेट टाइम पे ही आपको पहुंचाएंगे। आप अगर दाएं बाएं ने कोई भी बात बताओगे तो ये बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। बड़ा अजनबी सा एहसास होता है जब आप हायर टैक्सी पे बैठते हैं। ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि आपको एक ऐसा ड्राइवर मिले जो आपके सेंटिमेंट्स को समझे, आपके टेस्ट को समझे और उस हिसाब से आपकी बात मानकर उसे फॉलो करे। अनफॉर्चुनेटली हमारे ड्राइवर साहब इनमें से कुछ भी नहीं थे, उनके अपने मूड स्विंग्स थे, उनके अपने ही ख्यालात थे। तो बस हमारे लाख मना करने पर भी उन्होंने एक गंदे से ढाबे पे हमें शाम की चाय पिलवा दी, जहाँ पे रेस्ट रूम भी नहीं था। पर उस ढाबे की सबसे अच्छी बात ये थी कि शाम की बरसात में जब हमें सामने बर्फीले पहाड़ों का नजारा दिख रहा था, उसको चैलेंज करने वाली कोई और चीज नहीं थी। तो चाय वाय पीने के बाद हम आगे बढ़े और हमारा टारगेट ये था कि हम 5 बजे तक पत्नी टॉप पहुंच जाएंगे और फिर हम वहाँ पे 2-3 घंटे घूमने में लगाएंगे और अगले दिन सुबह 10 बजे वापस जम्मू की ओर रवाना हो जाएंगे, क्योंकि हमारी फ्लाइट शाम की थी। शेड्यूल कुछ ज्यादा ही टाइट था, पर क्या करें, घूमने का अरमान इतना स्ट्रॉन्ग था कि हमने कहा कुछ भी हो जाए एक बार पत्नी टॉप चलते तो है ही है। तो हम लगभग 5 बजे के आसपास पत्नी टॉप पहुंच गए, पर वहां हमने डिसाइड किया कि होटल में अगर चेक इन करेंगे तो टाइम और ज्यादा लग जाएगा, तो क्यों ना ऐसा करें कि यहाँ से सीधे नाथा टॉप चले। नाथा टॉप वो जगह है जहाँ पर आपको बर्फी बर्फ नजर आती है, बस पत्नी टॉप से कुछ ही किलोमीटर दूर है। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है, ट्रेकिंग भी होती है, स्कीइंग भी होती है। पर नाथा टॉप पहुंचने से पहले हमें हमारे ड्राइवर साहब ने
एक वैन के आगे रोक दिया और उस वैन में पता है क्या था? उस वैन में ढेर सारे गंदे गंदे लॉन्ग कोट थे, गरम वाले, और बूट्स थे जो कि हमें किराए पर लेने थे। हमारे ड्राइवर जी ने हमें बताया कि देखिए, अगर आप ये नहीं लेंगी तो आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, पर शायद उनकी कमीशन थी तो उन्होंने वहां पे ले जाके गाड़ी खड़ी कर दी और हमें भी वो बूट्स और वो कोट लेने ही पड़े। उधर से यात्री आकर के उन्हें उतार रहे थे, मिट्टी और पानी से भीगे हुए बूट्स हमें भी पहनने पड़ रहे थे, पर क्या करें, चॉइस तो थी नहीं, इसलिए हमने फटाफट बिना देर करे हुए कोट और बूट्स पहन ही लिए। जब हम नाथा टॉप पहुंचे तो जो पूरे रास्ते हमें एक अजनबी सा एहसास हो रहा था, वो हमें बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि नाथा टॉप में ढेर सारे टूरिस्ट थे जो हमें पूरे रास्ते कहीं दिखाई नहीं पड़े। ढेर सारी कार्स, ढेर सारी टैक्सीज वहां खड़ी हुई थी, एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था और पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ था। तो हमारे ड्राइवर साहब ने एक जगह गाड़ी रोकी और जैसे ही हम गाड़ी से उतरे तो हमारे पास कुछ लोग आ गए जीप वाले और वो हमसे कहने लगे कि देखिए, अगर आपको असली बर्फ का मजा लेना है तो यहाँ से आपको 2-3 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा। वहाँ पर आप बर्फ में फिसल भी सकते हैं, बर्फ में चल भी सकते हैं और आपको यहाँ से कहीं ज्यादा अच्छा लगेगा वहाँ पे। तो हमने तुरंत फैसला लिया कि भाई, हम जब इतनी दूर आए हैं तो अगर इससे भी ज्यादा सुंदर जगह हमें कुछ ही किलोमीटर्स में मिल जाती है तो चलो चलते हैं। हमारे ड्राइवर जी ने तो हाथ खड़े कर दिया। उन्होंने कहा, देखिए, आपने हमें यहीं तक बताया था, हम यहीं तक जाएंगे, आप तो इस जीप में बैठ के उस आगे वाले पॉइंट पर जाइए। बाद में हमें पता चला कि इन जनाब की उस जीप वाले के साथ भी कमीशन की सेटिंग थी। एनीवे, बहस करने का टाइम तो था नहीं, तो हम वहां से 2-3 किलोमीटर आगे जो स्पॉट था वहां पहुंचे। और भाई, वहां पहुंचते ही बॉलीवुड के सारे बर्फीले गाने मुझे याद आ गए, क्योंकि सारे पहाड़ बर्फ से बिल्कुल ढके हुए थे और हम उन पर चढ़े भी, हमने हाथों में बर्फ के गोले बनाए भी और एक दूसरे को मारे भी। हाँ, ठंड तो इतनी कड़कड़ाती हुई मिली हमें कि जान ही निकल गई, लेकिन फिर भी अरमान हमने पूरे कर लिए वहां पर। यहाँ पर भी हमें काफी कार्स मिली और जैसा हमने सोचा था कि शायद ये इलाका हमें सन्नाटे वाला मिलेगा, ऐसा नहीं था, काफी ज्यादा पब्लिक हमें यहाँ पर भी मिली और एक छोटी सी गुमटी भी मिली जहाँ लकड़ी के लट्ठे जलाए जा रहे थे और उसी में ताजी ताजी कॉफी और मैगी भी बनाकर खिलाई पिलाई जा रही थी। लकड़ी के लट्ठे से ही बनी हुई बेंच पर हम सब एक दूसरे से चिपक के बैठ गए और कपकपाते हुए हाथों से किसी तरह से कॉफी का कप पकड़े हुए हमने 2 ही बार में स्लर्प स्लर्प करके वो मीठी कॉफी खत्म कर डाली और फिर मैगी का भरपूर मजा लिया। भाई, मुझे एक बात और समझ में आई, अगर इस देश को कोई एक चीज यूनिटी में बांधती है तो एक तो है कोल्ड बियर सोल्डियर और दूसरी मैगी। भारत के किसी भी कोने में मैगी आपको मिली जाएगी। हालांकि लोगों ने उस पॉइंट का नाम हमें सुंदर नगर बताया, पर ये शायद एक लोकल सुंदर नगर था, क्योंकि जो एक्चुअल सुंदर नगर है वो कहीं और ही था। एनीवे, हमने तो उस जगह को सुंदर नगर ही माना और वहां पे एक तकरीबन 1.5 घंटे का समय बिताया और फिर हम दौड़ते हुए पत्नी टॉप वापस आ गए। जो सबसे पहला होटल मिला वो था होटल जयश्री, जहाँ पे हमने फटाफट चेक इन कर लिया, क्योंकि रात के 8 बज चुके थे और हमारे पास ज्यादा टाइम था नहीं। पत्नी टॉप एक छोटा सा कस्बा है, बहुत ही सुंदर जगह है, हरे भरे बिल्कुल पेड़ हैं वहाँ पर, काफी वाइल्ड लाइफ भी है वहाँ पर, अच्छे अच्छे होटल्स भी हैं और आसपास देखने के लिए नाग मंदिर, स्काई व्यू पत्नी टॉप, 20 किलोमीटर दूरी पर सनासर लेक, बगलीहार डैम, बिल्लू की पौड़ी, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो भाई, आप जाइए तो आप इन सब जगहों पे जरूर जाइएगा, पर हमने चूंकि सिंगल फोकस रखा था इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ पत्नी टॉप में ही रुक गए। लेकिन पत्नी टॉप की जो रात थी वो बहुत से भी बहुत बहुत ज्यादा ठंडी थी, इतनी ठंडी कि हम एक दूसरे का नाम भी लेने से कतरा रहे थे। उस पर से देर रात को वहां पर लाइट भी नदारद हो गई, यानी हीटर भी नहीं चल पाया और गीजर भी नहीं, और 12 बजे से पहले ही सब खर्राटे मारकर सोने के मूड में आ गए।
पर उससे पहले जब हमने चेक इन किया तो हम थोड़ा सा बाहर टहलने नाइट वॉक के लिए निकले। तब तक एक दो छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स वहाँ पे खुले हुए थे। हमने वहाँ बैठ करके चाय पकौड़ी की स्नैकिंग करी और जो उस रेस्टोरेंट के मालिक थे उनसे लोकल फ्लेवर के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि देखिए कश्मीर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो लेकिन पत्नी टॉप एक बहुत ही सेफ प्लेस है। यहाँ पे हार्डली कभी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि खतरे वाला हो, बस यहाँ पे वाइल्ड लाइफ से डर के रहना पड़ता है। तो हम सभी ने चौंककर दाएं बाएं देखा। थोड़े से मोटे तगड़े कुत्ते जरूर टहल रहे थे पर हाँ कोई शेर चीता हमें नजर नहीं आया। रेस्टोरेंट में बैठ करके स्नैकिंग करते हुए जो हमें मजा आया वो मैं आपको क्या बताऊं। सामने ही हमारे जूलॉजिकल गार्डन भी था पर हमारा पूरा मजा तो बर्फ के गोले फेंक कर पूरा हो चुका था और जो बचा कुचा था वो उस रेस्टोरेंट में बैठ करके चाय पकौड़ी से पूरा हो गया। वापस लौट कर जब हम होटल आए तो जैसा मैंने बताया लाइट नदारद हो गई। उसके बाद हीटर चलना भी बंद हो गया। गीजर की बात तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। वैसे तो मैं अपने साथ एक इलेक्ट्रिक कुकर रखती हूँ पर यहाँ पर इतनी ठंड थी कि उस कुकर में पानी गुनगुना तक नहीं हो पा रहा था और लाइट चली जाने के बाद तो ऑब्वियसली ये इम्पॉसिबल था क्योंकि वहाँ पर इन्वर्टर से लाइट दी गई थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक बल्ब जल सकता था। भाई हम सब बिस्तर के अंदर दुबक गए और दांत किटकिटाते हुए किसी तरह से रात गुजारी और सुबह 5 ही बजे हम सब की आंखें खुल गईं। जैसे ही मेरी आंखें खुली मैं दौड़ करके होटल से बाहर निकल गई मॉर्निंग वॉक के लिए। मैंने कहा बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है क्यों ना पूरा मजा ले लिया जाए पत्नी टॉप का। तो मैं दूर तक पैदल पैदल टहलती हुई निकल गई और तब मैंने देखा कि जिस होटल में हम टिके हुए थे वो अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह पे था। उसमें स्टेप्स में बहुत ही खूबसूरत लॉन्स भी बने हुए थे। एक नहीं कम से कम 4 लॉन्स थे 4 स्टेप्स पर और उनमें कुर्सियां भी पड़ी हुई थी और झूले भी पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा जैसे ही लौटती हूँ सुबह की चाय हम इसी लॉन में बैठ के पियेंगे पर अफसोस कड़कती हुई ठंड में सबने जवाब दे दिया। मैं अकेली ही थी जो उन चेयर पे बैठ करके चाय पी रही थी। लेट मी टेल यू पत्नी टॉप इज अ वेरी सीरीन वेरी ब्यूटिफुल वेरी क्वाइट एंड एब्सोल्युटली पोल्यूशन लेस प्लेस। वहां जाकर इतनी बढ़िया खुली हवा में सांस लेने पर और सुनहरी धूप को देखने के बाद दिल और दिमाग टोटली रिफ्रेश हो गए और फिर टाइम आया कि सब कुछ पैक करके हम अपनी टैक्सी में वापस बैठ जाएं। एक बात जरूर अच्छी हुई कि तब तक हमारे ड्राइवर जी को शायद थोड़ा सा समझ में आ गया था कि हमारा टेस्ट कैसा है तो लौटते वक्त हम उन्हें जहां जहां रुकने को बोल रहे थे उन्होंने गाड़ी को वहीं वहीं रोका ताकि हम प्रॉपरली खाना खा सके। बस एक बहुत बुरा हादसा हुआ, हमें रास्ते में 15 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम फेस करना पड़ा। पता चला पूछने पर कि 2 लोगों को टेररिस्ट ने मार दिया था इसलिए लोकल्स ने रास्ता बंद कर दिया था। वहां पे धरना प्रदर्शन हो रहा था बट किसी तरह से शायद बात बनी और फाइनली ट्रैफिक जैम खुल गया। हमें तो लगा कि उस दिन हमारी फ्लाइट कैंसिल ही हो जाएगी। हम तो उतर के दूर तक दौड़ते दौड़ते खबर लेने को चले गए। कुछ लोग तो जाम में से पलट कर वापस कटरा की ओर लौटने लगे पर हमने कहा कि अगर फ्लाइट कैंसिल हो गई तो बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हमारी दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट थी। शायद ऊपर वाला हम पर मेहरबान था इसलिए रास्ता खुला और हमारे ड्राइवर साहब तेज गाड़ी सरपट भगाते हुए हमें बिल्कुल टाइम के अंदर ही एयरपोर्ट ले आए। तो हमने उन्हें दिल से थैंक यू कहा और हम आगे की ओर बढ़ गए। अगर आप मुझसे कहेंगे कि नटशेल में पत्नी टॉप के बारे में मैं क्या कहना चाहूंगी तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पत्नी टॉप is extremely cold and extremely beautiful. Development थोड़ा सा कम है लेकिन अच्छा है। अच्छी खासी क्राउड भी आती है। शांति है यहाँ पर और majestic views है यहाँ पर। अगर आपको बर्फीले पहाड़ों की कतार देखनी है तो आप पत्नी टॉप आइए। अगर आपको कम भीड़ अच्छी लगती है तो आप पत्नी टॉप आइए। अगर आप ढेर सारी विंटर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, विंटर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो पत्नी टॉप आइए और यहाँ आकर कम से कम 3-4 दिन जरूर बिताइए।
पत्नी टॉप एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। जल्दी से प्लान बनाइए और बर्फ के गोले एक दूसरे पर जरूर फेंकिए। नाथा टॉप में 12 महीने बर्फ रहती है, तो बर्फ से खेलने का जब भी आपका दिल हो, आप पत्नी टॉप की ओर रुख जरूर कर सकते हैं। तो जब तक मैं एक और जगह पर आपको ले चलने का प्लान बनाती हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। और हाँ, मेरे इस पॉडकास्ट को, मेरी दुनिया विद वीरा को जरूर फॉलो करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको तुरंत पता चले। तो मैं चलूं।